रूपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिंपी काल रहा। तो आज मार्केट के अंदर ग्लोबल संकेतों के अलावा जीएसटी का भी आप प्ले देखने को मिलेगा। मसाला जीएसटी का भी है और जी बिजनेस सबसे पहले आपको वो ऐसी लिस्ट बताएगा जो कि 5% 12% 18% और करीब 28% की लिस्ट में ऐसे प्रोडक्ट आने वाले, ताकि आपको पता लग जाए कि आप जो खरीदने वाले सामान है वो सस्ता हो रहा है फिर महंगा हो रहा है। बिल्कुल व्यूअर, दो चीजें आप जरूर जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि किस शेयर को फायदा होगा, किसको नुकसान, और कौन सी चीज जब वो खरीदने जाएंगे तो सस्ती मिलेगी या फिर महंगी मिलेगी। और इसी पर एक बड़ी कवरेज आज दिन भर आप देखेंगे जी बिजनेस पर। शेयर बाजार लाइव में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत दिन पे इंटरनेशनल क्यूज से कर लेते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल क्यूज पे कर लेते हैं और सीधा सीधा चलते हैं आप संदीप के पास और उनसे हम समझ लेते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। लेकिन उससे पहले एक आउटलुक और पूरा मार्केट्स में आज कैसे कैसे अलग अलग सेगमेंट से न्यूज फ्लो आ रहा है एक बार ये देख लेते हैं। आज एशियन मार्केट्स में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है, आज फिर से दबाव है क्योंकि यूएस मार्केट्स के अंदर लगातार जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, शुक्रवार का दिन है और लगातार चार दिन से जो तेज गिरावट आई है, अगर थोड़ी बहुत कवरिंग आती है तो स्पेशली उन काउंटर्स पे कवरिंग आ सकती है जहां पे आपको एक तेज स्लाइड देखने को मिला, जैसे कि आईटी, फार्मा, कुछ हद तक सरकारी बैंक्स, इन पे आप ज्यादा नजर रखें। जीएसटी के फ्लेवर के हिसाब से आपको एफएमसी और लॉजिस्टिक कंपनीज पर भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऑटो कंपनीज पर अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो कुछ छोटी कार बनाने वाली कंपनी और ऑटो एंसिलरीज पे ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के साथ साथ जीएसटी अपने आप में अहम है। निफ्टी की एक बार रेंज भी आप समझ लें, निफ्टी की इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो 8450 बींग एज एन स्टॉप लॉस है, जिनके पास भी पहले से पोजिशन है या फिर रखना चाहते हैं और ऊपर स्तरों पर जाते हुए 8600 से पहले ही एक बार प्रॉफिट बुक कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, वो चाहे 8580 हो चाहे 8570 हो, अपने प्रॉफिट और अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो कुल मिला के मार्केट का आउटलुक आप इस तरह से आज देख सकते हैं। बिल्कुल, इंडेक्स आज भले ही दायरे में रहे लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है क्योंकि आज असर होगा जीएसटी का। जीएसटी रेट्स जो तय हुए हैं उसके दायरे में कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं, इस पर पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे दिन भर। इनफैक्ट अपने स्क्रीन के एक साइड में भी आज आप दिन भर देख सकेंगे कि कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन से वो शेयर्स हैं जिनको फायदा पहुंचेगा इस स्लैब का या फिर कहां नेगेटिव असर देखा जा सकता है। क्योंकि जो चार स्लैब्स तय किए गए हैं वो 5, 12, 18 और 28% किए गए हैं। इस पर हम बारीकी से बातचीत करेंगे आगे भी, लेकिन इंटरनेशनल क्यू सबसे पहले समझ लेते हैं क्योंकि लगातार यूएस मार्केट में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है उसका प्रेशर हम देख रहे हैं और वो प्रेशर कल भी विजिबल था। एशियन मार्केट्स की किस तरह से शुरुआत हुई है, क्या क्यूज मिल रहे हैं वो समझ लेते हैं। रजत बताइए क्या क्यूज है ओवरऑल। बिल्कुल, हैंगसेंग शंघाई को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द एशियन पैक जो है वो आज कमजोर संकेत है। वहां से एसजेक्स निफ्टी फिलहाल 25 पॉइंट्स, ज्यादा बिकवाली नहीं, बड़ी बिकवाली नहीं लेकिन कमजोर है। ऊपर से कल जो अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग उसमें भी 0.25% से 1% की गिरावट देखने को मिली और जिस तरीके के आईटी शेयर्स पे दबाव था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था नैसडैक पे, सबसे ज्यादा टूटने वाला इंडेक्स साबित हुआ। यूरोपीय बाजार कल 0.75% के आसपास टूटते हुए नजर आए। यूएस में 8 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव, बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए, ट्रंप के जीतने के डर से अब लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी देखने को मिली है। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट पर नहीं टिक पा रहा है, निचले स्तरों से कुछ कवरिंग जरूर आई थी इंट्राडे के दौरान लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से प्रेशर बना जो 1.5% नीचे ले गया क्रूड को इंटरनेशनल मार्केट पे। बैंक ऑफ इंग्लैंड कहीं ना कहीं यूरोपीय बाजार फोकस में इसलिए क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरों पे बैठक थी, कोई फैसला हुआ नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई ब्याज दरों को लेकर। और दूसरा जो बड़ा फैसला था वो था यूके कोर्ट का ब्रेग्जिट को लेकर, सरकार को ब्रेग्जिट के लिए अब संसद की मंजूरी लेनी होगी। अब जब सरकार थरीसा में जो जब ऐसा करेंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिले है, जो प्रक्रिया में ब्रेग्जिट की जो डिले है वो होता हुआ नजर आएगा और उसको बाजार ने ठीक तरीके से नहीं लिया। ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पे कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। यूएस मार्केट्स पे अब आज का जो बड़ा ट्रिगर है वो है अक्टूबर जॉब रिपोर्ट आंकड़े, 1.75 लाख नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान है। देखते हैं कि इससे ज्यादा जुड़ती हैं कि नहीं, ज्यादा जुड़ गई तो ऑब्वियसली जो ब्याज दरों के जो बढ़ने की संभावना है वो भी सिस्टम में बढ़ जाएंगी। तो कह सकते हैं इंटरनेशनल संकेत आज भी इनकरेजिंग नहीं है इंडियन मार्केट्स के लिए, लेकिन जैसे भी डिंपी ने बोला ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। शॉर्ट्स का प्रॉफिट तो बना है लेकिन क्या शॉर्ट कवरिंग अभी भी आ सकती है या फिर नहीं आ सकती, इस पर थोड़ा सस्पेंस जरूर है। लेकिन आज मार्केट अपने 1.5 घंटे के अंदर ट्रेड करके काफी तक क्लियर कर देगा कि बाजार आज शॉर्ट कवरिंग के मूड में है या फिर गिरावट को और बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल, अब हमारे साथ एक फॉरेन व्यू ले लेते हैं इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स पर, ग्लोबल इक्विटीज पर भी। वी हैव विद अस मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन। मिस्टर नागेश्वरन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दो वी हैव लॉट ऑफ ट्रिगर्स टू टॉक अबाउट दिस मॉर्निंग, बट आई विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल क्यूज first and that comes from US. How are you approaching global equities right now before US elections, because the pressure before the elections is quite visible on all the global equities. What's your sense right now? Good morning, and if you notice the article I had written in my weekly column for Mint,
Okay. I did say that it was 11:59 p.m. in financial markets. I wrote this on Tuesday. Basically, the clock is about to strike midnight for almost all the markets. Mm-hmm. And I think they're all at a very high risk of correcting meaningfully, regardless of the election outcome going in favor of either Mr. Trump or Mr. Clinton. Mm-hmm. The global equity queues, therefore, in my opinion, are likely to be more towards the downside and upside in the weeks and months ahead. Mr. Ananta, there is the government is trying to make his image in a sense that the government is doing something else. The GST is in the part of that. Government decided the slab, the 5%, 12%, 18%, 28%. These are the four slabs which is divided into the four tax slabs into. What's your view on regarding the GST issues? And the second one is the Tata's issues are also going as parallel with the Indian economy. That's right. What's your stand on the Tata's and the GST? I have been following the story of what is going on in the Tata Sons boardroom as everybody else is. All we can say is it is not a good advertisement. I mean, we are not at this point in time able to go into the relative merits and demerits of each side of the argument, but it doesn't really come out as a good advertisement for the Indian corporate sector or corporate governance in general. Okay. That's my point of view, and I will leave it at that. As far as the GST is concerned, yes, I mean, I just heard you mention about the fourth slab. And if I'm not mistaken, my Hindi is not very good. My apologies if I got you wrong. You also mentioned about some cess, isn't it? Yes. GST. Along with the cess. GST along with the cess. The government is continuing with the cess along with the four slabs of the taxation in the GST panel. It is a bad idea. Because the idea of going to a GST is to make it less complicated, but not to make it more complicated. And the cess is something that is collected by the center, which also, therefore, the very idea of a GST itself, because it goes against cooperative federalism in principle. Mm. One has to make it as open and transparent and as federalist as possible. Mm. The idea of a cess goes counter to that. And it should not be done with a view to keeping assumptions on revenue in mind, because we have no idea how the revenue considerations will play out in reality, because a lot would depend on the economic efficiencies that this tax structure would unleash. So if one kept it as simple as possible and as reasonable as possible, there was an opportunity for it to unleash the economy's productive potential and create economic growth, which would take care of the concerns on the revenue side. Focus on the revenue side more than on the economic efficiency aspect and the single market aspect, in my opinion, is probably not the right thing to do. Right. In fact, Mr. Nageshwaran, you raised a valid point that too many tax slabs may create complications in implementation. But now question goes to Indian markets, because GST is seen as the biggest reform here in India and it can lead to growth if we talk about Indian economy. So how do you approach Indian markets among these developments, be it US elections, be it GST reform, or be it the fund flows which towards India, which we have seen have been quite aggressive since start of this year? Yeah, I mean, of course, the first 2 months of the year, the Indian market were not doing very well. But after the budget and after from April onwards, Indian markets have done very well. And a lot of it is based on the hope that, the banking sector problem has been put behind us, that there would be a good monsoon and that it would lead to a revival of economic growth. Mm-hmm. I think it's happening in part, but it is not happening to the extent that a market would have anticipated. So in some sense, one has to concede that although the macro news flow in India is not particularly bad, recent core industrial production output is reasonably good. Right. The monsoon has been good, and inflation, despite the food prices going up in the summer months, has well behaved. So I think the Indian market has gotten a little bit ahead of itself. And the global cues, as I mentioned earlier, might come in as an excuse for investors to take short-term profits. True. Well, thanks, Mr. Nageshwaran, for talking to us.